आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया किस प्रकार से प्रदेश सरकार और बहुत हद तक केंद्र सरकार जिम्मेवार है इस प्रकार की जलती हुई मणिपुर की स्थिति, इतने मृत शरीर। उच्चतम न्यायालय ने कल कहा कि ये कैसे हुआ कि उच्च न्यायालय मणिपुर में ये प्राथमिक विरोध नहीं किया गया कि 20-25 साल पुराना निर्णय है कि प्रादेशिक सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है एसटी अनुसूचित जनजाति के विषय में कुछ भी करने का। नोटिफाई करना, उनको शामिल करना न करना, ये पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र है केंद्र का, ये पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र है राष्ट्रपति की सूचिका का। अगर ये बात है तो ये इतनी बड़ी गफलत प्रदेश सरकार ने कैसे की, प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं बताया उच्च न्यायालय को, और इस गफलत के कारण ये नहीं कहा गया कि कानून बड़ा स्पष्ट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। अगर ये होता स्पष्टता तो ये जो बाद में हुआ है, इतने मृत लाशें, इतनी बड़ी वहाँ पर आपदा कभी नहीं होती। साथ साथ केंद्र सरकार ने एसटी के विषय में कई संसद में बिल लाए गए हैं, इस मामले में क्यों नहीं आया बिल? और अगर ये बात है तो क्या ये डबल इंजन, दोहरे इंजन के सरकार की असफलता है? ये दोहरे इंजन के सरकार की इंजन किस प्रकार से बैकफायर करती है, असफल रहती है, वो दर्शाता है। मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न देश के सामने बीजेपी सरकार, वीरेंद्र सिंह सरकार को बताने चाहिए। इतनी बड़ी गफलत, इतनी कैजुअलनेस, इतना कैलसनेस समझ में नहीं आता। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now